बच्चे ठीक है, कनेक्टेड है उसका? वो पावर पॉइंट आप डेस्कटॉप कहिए ना। बच्चे कनेक्टेड होते हैं? हाँ आ जाएंगे अपने, ये है आपका ना, ये है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और कैसे हो साहब? अच्छे हैं सर। हाँ भाई अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा गुड आफ्टरनून सर। ले है बदमाश सर। गुड आफ्टरनून सर। बदमाश रहने के बदमाश कुछ कुछ बच्चे बदमाश कुछ नहीं सर, बदमाश कुछ कुछ सर, बदमाश हाँ सर, बदमाश थे नहीं, लॉकडाउन में सब बदमाश हो गया। कुछ कुछ इतने शरीफ है कि पढ़ाने में ही घसने लग जाते हैं इस पे। चलो ओके फाइन है। कोरोना में तुम बदमाश हो लेकिन हम बदमाश नहीं हुए, ऐसे कैसे हो गया? चलो ठीक है। नहीं सर स्टूडेंट है सर। अच्छा हमने तो संगत कैसे रहे सर? सही बात है। तो अपन लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ओके तो अगेन वी फोकस ऑन द लास्ट लेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ अगेन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ओपन सोर्स डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। मैंने वो व्हाट्सएप में भेजा था, क्या भेजा था सर्वर? अच्छा वो एक चीज में आगे मैं भूल गया बताना तेरे को। चलो अपने तो पढ़ाई रखे, इसे वापस रिव्यू लेंगे थोड़ा सा। हाँ इस पर अपन कल डिस्कस कर रहे थे सर, नहीं कि भैया क्या जो डब्लू डब्लू लिखते हैं वो लिखना जरूरी है क्या? कौन बताएगा? और लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे, क्या बिना लिखे काम चल जाएगा? कैन एनीवन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? एनीवन? कोई बताएगा? वेबसाइट बता, बताओ भाई। सर लिखने के फायदे ये है ना कि मतलब फायदे तो फायदे हैं कि www डालने से डायरेक्ट साइट पे चले जाते हैं। गूगल बाबा से मत पूछा कर, अपने आप दिमाग लगाएगा। और गूगल बाबा से पूछता है क्या? खुद से बता। तुमने हेलो हेलो यस सर यस सर बताओ। अच्छा इसके बाद क्लाइंट आता है, एक सर्वर आता है, टर्म है एक क्लाइंट और एक सर्वर। यस सर सर्वर क्या होता है? सर जो सर्विसेज सर्वर के द्वारा अवेलेबल की गई हो सर, जो जो सर्विसेज सर्वर के द्वारा अवेलेबल की गई है उन इनको एक्सेस जो करता है उसे क्लाइंट बोलता है। एग्जांपल से समझाओ तो मेरे को, कैन यू गिव मी एग्जांपल? एनीवन? देखो इफ यू अंडरस्टैंड by taking example any subject or in any topic you will understand very clearly, or if you try to remember, try to kya yeah, theek hai na, if you try to remember without example, if you try to make ratta theek hai na, then after sometimes you will vanish your it will be vanished from your mind. So try to understand with the help of examples. I am giving you example, what is client? Client is nothing, client is nothing but make a request to the server. Are you getting all?
क्लाइंट इज नथिंग बट मेक ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर. क्लाइंट क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है. आर यू गेटिंग ऑल? नहीं सर. सब लोग सुन रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है? ठीक है ना सर. एक ही टाइम पे मतलब इकोनॉमिक्स क्लास है क्या सर? इकोनॉमिक्स साइड दिया जा रहा है लिंक सर. विनोद सर भी क्लास ले रहे हैं. विनोद सर क्लास ले रहे हैं, मेरे को नहीं पता भाई. उनका बहुत पहले ही आ चुका. यस सर, वो अभी सेंड किए हैं सर. ज्वाइन किया जाए इनका सर. लेकिन डीन सर तो बोले कि 3 बजे है उनका. एक सर दो क्लास कैसा होगा? 2 बजे सेंड किए हैं. 2 बजे 2 बजे 2 बजे सेंड किए हैं. अभी भेज रहे हैं लिंक सर. उनका 2 बजे क्लास होता है ना रे? वो पहले ही सेंड कर चुके थे. 2 बजे क्लास 2 बजे होता है ना कल? 2 बजे होता है ना क्लास उनका? फिर से आया मैसेज. हाँ लगातार आ रहा है. देखो मैं उनको जॉइन होना बोल रहा हूँ. विनोद सर को बोल क्लास अभी चल रहा है. मैं मना करता हूँ उनको. रुको. जी सर बिल्कुल. हमेशा ऐसे ही होता जाता है. वो तो स्टार्ट भी कर दिए सर. सर कुछ लड़के उधर पढ़ेंगे, कुछ लड़के इधर पढ़ेंगे. आधा आधा ज्वाइन करें. उधर से ट्रैप कनेक्ट हुई है. बता दो ना मेरे बारे में. बता दो उनको. बता दिए सर, 3 बजे से लेंगे सर. बोले जाओ क्लास करो, फिर 3 बजे लिंक सेंड करेंगे. हाँ तब सही है. मना कर दिया उनको? क्या सर? तो अपन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर. ठीक है ना? तो व्हाट क्लाइंट, व्हाट क्लाइंट मेक ए सर्वर. क्लाइंट क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है. ठीक है ना? और सर्वर क्या करता है, सर्वर गिव द रिस्पांस टू दैट क्लाइंट. सर्वर क्या करता है, रिस्पांस देता है उस क्लाइंट को. ठीक है ना? तो जैसे आप एग्जांपल से समझेंगे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आप क्या करते हैं, आप बैंक के एटीएम के पास जाते हैं. तो बैंक के एटीएम के पास जाते हैं तो आप एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में आप एटीएम इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट करने का मतलब हो गया कि ठीक है ना, उस कार्ड को रीड करेगा. रीड करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, जहां पे उसका सर्वर है, जहां पे डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है, उसको वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा कि वाई समवन हैज इंसर्टेड द व्हाट, समवन हैज इंसर्टेड द एसबीआई एटीएम. एंड ठीक है ना, वो पहले डेटाबेस में वो सर्वर से कनेक्ट होगा. ठीक है ना? मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ. ठीक है ना? तो मैं क्लाइंट हूँ, मान लो कि मैं एटीएम हूँ. ठीक है ना? और ये मान लो कि बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत डेटाबेस बना हुआ है. तो मैं एटीएम हूँ, तो मेरे को मैं जैसे ही मैं जाऊँगा तो कार्ड एक नंबर होगा, उससे वो रीड करेगा और चेक करेगा कि आपका डेटाबेस से मैच कर रहा है कि नहीं करेगा, कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर डेटाबेस से मैच कर रहा है तो आई एम जस्ट ए क्लाइंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक ए कनेक्टिविटी विद द सर्वर. ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है ना? तो हमने क्या करा है कि एटीएम मशीन है, वो डेटाबेस सर्वर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है? कि भाई क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, पैसे निकालना है, बैलेंस चेक करना है, पिन चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, विड्रावल करना है, क्या करना है. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो यूजर है, यूजर इज वर्किंग एज ए क्लाइंट. यूजर क्या कर रहा है यहाँ पे, एज ए क्लाइंट की तरह काम कर रहा है. जितने भी क्लाइंट होंगे वो सर्वर से कनेक्टेड होंगे. ठीक है ना?
भाई जितने भी एसबीआई एटीएम जो मशीन है एटीएम एसबीआई एटीएम का एसबीआई जो बैंक है उसका यूजर है ऑल दीज आर क्लाइंट ठीक है ना, ये सारे क्लाइंट है और एक क्लाइंट क्या करेगा ठीक है ना, एक क्लाइंट क्या करेगा सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा आर यू गेटिंग ठीक है ना, कि जितने भी एसबीआई बैंक के यूजर हैं वो सबके पास एटीएम है एट डिफरेंट नोडल पॉइंट, या तो वो पटना है या तो वो जयपुर है या तो वो बंगलोर है या तो पुणे है कहीं भी है, तो डिफरेंट नोडल पॉइंट पे है और वो सबका एक डेटाबेस से कनेक्टेड है, सबका डेटाबेस एक ही है ठीक है ना, सबका डेटाबेस एक ही है, तो जितने भी क्लाइंट है वो सबका यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डेटाबेस क्या कर रखा है एक सर्वर बना रखा है ठीक है ना, कि जो भी क्लाइंट है जो भी जो यूजर है एज ए क्लाइंट है वो अगर एटीएम इंसर्ट करता मशीन में तो वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा और वो चेक करेगा वो रीड करेगा ठीक है ना, क्या कि ये एटीएम कार्ड क्या चाहता है, पैसा निकालना चाहता है पैसा जमा करना चाहता है एटीएम पिन चेंज करना चाहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद वो सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा ठीक है ना, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर ठीक है ना, तो क्लाइंट व्हाट क्लाइंट मेक रिक्वेस्ट टू द सर्वर बट सर्वर गिव द रिस्पॉन्स टू दैट क्लाइंट ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे, मैंने मेरा क्वेश्चन ये था कि इफ यू राइट www इज इट नेसेसरी इज इट इम्पॉर्टेंट इज इट मस्ट टू राइट www इन URL ऑफ द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के URL में www लिखना जरूरी है नहीं जरूरी है तब तो कोई बात नहीं है ठीक है ना, ये किसने करके देखा है कल कि हाँ मैं www लिख के देखता हूँ ओपन होता है कि नहीं होता है, कोई ट्राई किया वेबसाइट ओपन सर? हाँ जी बोलो, कोई करके देखा ट्राई करके किया है कि हाँ मैं करके ऐसा देखता हूँ वो साइट ओपन होता है नहीं होता है? बोलो वेबसाइट होता है सर, वेबसाइट होता है, वेबसाइट किसको बोलते हैं मतलब कोई भी नहीं मतलब कोई भी वेबसाइट www से ना शायद शुरू होता है इसलिए अगर www ना लिखे तो वो रहता ही है सारे में, अब पता नहीं क्यों रहता है, ये तो पता करना है, ये तो पता करना है, और एनीबॉडी और इधर कौन कौन है, इधर चंदन है कौन बता? ना लिखेंगे अभी तो साइट खुल जाएगी सर, पक्का? यस सर पक्का सर, नहीं खुले तो ट्राई करके देख चुका हूँ सर, ट्राई करके देख लिया तूने क्या सर, ट्राई करके तूने देख लिया नहीं खुला तो? यस सर, लेकिन साइट पे नहीं जाता है सर, सिर्फ उसका मतलब साइट पे नहीं जाता है वो, जो डायरेक्टली www लिखते हैं ना तो डायरेक्ट चला जाता है अंदर, और मतलब उसका फिर से बोलना www ना लिखने पे नहीं वहां पे जाता है, सिर्फ उसका नाम आता है, क्या बोला, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ बिहार खोले थे कल, अरे मेरे से बात कर भाई तू, हाँ बता मेरे से समझा, बता बता यस सर, हाँ बता मेरे को, बता मेरे से बात कर, हाँ क्या बोल रहे हैं, बोल रहे खोल कर देखे थे तो सर मतलब होम पेज पे चला जाता है अगर ना भी डालता हूँ तो, ना भी डालता तो ओपन हो जाता है वो साइट, जी ओपन तो होता है सर, सहमत है? नो सर, नहीं ओपन होता है, अच्छे तरीके से नहीं खुलते ना बस उसके, और कोई एनीबॉडी ऑटोमेटिक वेबसाइट नहीं खुलता www वो मस्ट रहता है लिखना,
उसका अपना रियल वेबसाइट होता है ना, उसी से जब भी खुलेगा तो उसी से बता दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो जवाब दिया करो, कोई बात, मैं तो पहले ही कर रखा हूँ मेरे फर्स्ट क्लास में कि देखो आप ये सोचो कि मैं गलत ही जवाब दूँ, लेकिन जवाब दूँ तो उससे क्या होना कि आपको बाहर आएंगे। ठीक है चलो, डब्ल्यू लिखने का मतलब है ये, देखो कहते ना कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल चीज है। आप लिख के देखो यूआरएल में कि डब्ल्यू नहीं लिखते हैं और डब्ल्यू ने पहले नहीं लिख के देखो नया साइट, और मैं कह रहा हूँ एक बार ध्यान देना कि नया कोई नया साइट जो कभी आपने उस लैपटॉप पे नहीं खोला है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने एक बार वो साइट खोल रखा है तो उसके कैच मेमोरी में वो वेब पेज स्टोर हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना कि www.kku.com, ठीक है ना, www.kku.co.in अगर आपने एक बार अपने लैपटॉप पे खोल रखा है तो क्या होता है कि वो कैच मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम आप www ना भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले कैच मेमोरी में स्टोर हो रखा है, ठीक है ना। कैच मेमोरी क्या होता है बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो आप समझाते हैं, वापस www पे आते हैं कि वेन यू नॉट राइट वेन यू डिड नॉट राइट द www, ठीक है ना, ऑन एनी साइट, ठीक है ना, किसी साइट के नेम में www नहीं लिखते हैं तो उसके डेटाबेस से कनेक्टिविटी, सर्वर से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या नहीं खुलेगा, दूसरे शब्द बोले तो नहीं खुलेगा, वो साइट नहीं ओपन होगा। क्यों नहीं ओपन होगा, www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, की एक इसका काम क्या है, डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ठीक है ना, आपके डेटाबेस से आपके सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना किसका काम है, किसका काम है, सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन किसका काम है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मतलब इफ यू नॉट राइट, इफ यू नॉट पुट द www, देन इट डज नॉट कनेक्ट विथ दैट साइट ऑफ द सर्वर, दैट साइट ऑफ द डेटाबेस, उस साइट के डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो साइट ओपन नहीं होगा, सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं होगा तो साइट ही नहीं ओपन होगा। कब, जब आपके सिस्टम पे यू आर लॉग इन फर्स्ट टाइम, जब आप पहले टाइम लॉग इन हो रहे तभी होगा। अगर कोई बोल देता है बच्चा इसमें से कि नहीं सर हमने तो kku.co.in को हमने ओपन किया है तो खुल गया, बिना www के ही खुल गया, इसका मतलब कि आपने मतलब kku का साइट पहले भी ओपन किया है। ओपन करने एक बार ओपन करने से या दो बार ओपन करने से क्या हो जाता है कि उसके कैच मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है, उसका साइट का नेम स्टोर हो जाता है। नहीं है तो तुम जाके देखना, उसे कैच मेमोरी में होता है, जाके प्रोग्राम फाइल में जाके देखना, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में जाकर कैच मेमोरी होता है, उसमें वो साइट का नाम स्टोर हो जाता है। देन केवल आप तब उसके बाद केवल KKU लिखेंगे ना, केवल आप www ना भी लिखेंगे कुछ भी, केवल आप उस नाम से सर्च कर देंगे कि यहाँ KKU या KKU इतना ही डाल दोगे तो इतने ही से खुल जाएगा। अब समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, आया ना बोलो। यस सर। यस सर, समझ आ गया सर। तो ये बात है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। वर्ल्ड वाइड वेब बाय नेम द वेब द लीडिंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर नेटवर्क द वेब गिव्स यूजर एक्सेस टू ए वास्ट एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया लिंक्स दैट इज हाइपर लिंक्स इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन that link related piece of information in order to allow a user easy access to them. ठीक है ना, मतलब ये कह रहा है कि आपका जनरली जो साइट होता है वो हाइपर टेक्स्ट का बना होता है, ठीक है ना, हाइपर मीडिया का बना होता है जिसको हाइपर लिंक से कनेक्टेड होता है, एक पेज जो है दूसरे पेज से हाइपर लिंक से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, which gives you information in order to allow user easy access to them. हाइपर टेक्स्ट allow the user to select a word or phrase from text and thereby access other documents that contain additional information pertaining to that word or phrase. Hypermedia documents feature links to images, sounds, animation, and movies. The web operates within the internet basic client server formats, format server or computer that पता नहीं क्या जो भी है, ठीक है ना, तो क्या करता है कि इसके किसके आपके साइट से जो होम पेज है वो क्या होता है कि वो हाइपर टेक्स्ट द HTML के कोडिंग से डिजाइन होता है जनरली, ठीक है ना, और वो उसमें एक हाइपर लिंक, हाइपर लिंक का मतलब होता है कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने को हाइपर लिंक बोलते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बोलते हैं इसको, कि उसमें एक लिंक होता है कि जैसे ही आप नेक्स्ट पेज का पाथ दे देंगे और वहां पे आप चिपका देंगे वो HTML पेज में तो एक नया लिंक बन जाएगा, जैसे जैसे बताते हैं एग्जांपल बताता हूं इसको कि जैसे मैंने गया KKU के साइट पे गया, उसमें देखा अच्छा फैकल्टी की लिस्ट में देखिए अच्छा CA डिपार्टमेंट पे क्लिक किए अच्छा हाँ इसमें कौन कौन है अच्छा इसमें रमेश सर भी अच्छा अच्छा तो ये कौन बताता है हाइपर लिंक कि हाइपरलिंक से क्या करता है एक पेज से अच्छा रमेश सर का पूरा प्रोफाइल दिखेगा उसमें अच्छा रमेश सर का प्रोफाइल अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा अच्छा यहाँ तक पढ़े अच्छा ये एक्सपीरियंस है अच्छा ये डिपार्टमेंट है अच्छा 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 और क्या क्या है अच्छा अच्छा ये है इनके यहाँ पे डिपार्टमेंट का यहाँ सीटिंग है इनका ये है ये प्रोफाइल है तो दिस मीन्स हाइपरलिंक्स गिव्स द पर्टिकुलर स्पेसिफिक ठीक है ना क्या कहते हैं आइकॉन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ठीक है ना कि उस पर्टिकुलर आइकॉन्स के बारे में उस पार्टिकुलर ठीक है ना हाँ मैडम उनको मैं अभी यहाँ पे हूँ एग्रीकल्चर जहाँ पे वो क्या ना अख्तर सर क्या ना उनका वो यहाँ बैठते हैं ना वहाँ मैं लेक्चर ले रहा हूँ हाँ तो उनको या तो वेट करने के लिए बोलो या तो उनको इधर भेज दो सर रिकॉर्डिंग ऑन की क्या हो गया हाँ तो हाइपरलिंक क्या करता है एक पेज से दूसरे पेज की कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है एक पेज से दूसरे पेज जैसे मैंने क्या बताया आपको कि KKU के साइट पे जाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखता है ठीक है ना आपको एडमिशन लेना है आपको टीचर देखना है आपको कोर्सेज देखना है आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखना है तो ये क्या है दिस इज द हाइपर लिंक ये आपको लिंक दे रखा है उनके उनके टेक्स्ट पेज में उसके HTML के पेज में उन्होंने एक लिंक डाल रखा है कॉन्टैक्ट के बारे में प्रोफाइल के बारे में एडमिशन के बारे में ठीक है ना उनके ठीक है ना उनके साइज के बारे में फीस के बारे में ठीक है ना ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखा है तो दिस इज द हाइपर लिंक हाइपरलिंक का मतलब इतना समझो एक दूसरे शब्दों में ले मैन की तरह या ले वर्ड की तरह कि एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना ठीक है ना तो दिस इज द वर्ल्ड वाइड वेब एंड हाउ इट वर्क्स ठीक है ना अब चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं अपन हाँ अब यहाँ पे कुछ तुम्हारा जो लैंग्वेजेज है ठीक है ना बहुत लोगों ने लैंग्वेज के बारे में सुना कंप्यूटर लैंग्वेज अच्छा सी प्लस प्लस अच्छा PHP .NET जावा ये सब क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यू नॉट इट इज नॉट
it is not to speak, not a to proper speak language. Language means what? Language means simple computer language. Language may be programming language. Language simple language. ठीक है ना? तो यहाँ पे language से मतलब है programming language से है. ठीक है ना? तो programming language क्या होता है? ठीक है ना? Yes sir. ये प्रोग्राम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अब आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम सब लोगों ने जानता है? सब लोग सुने नाम प्रोग्राम का? प्रोग्राम का नाम सब लोगों ने सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप? यू आर लिसनिंग फर्स्ट टाइम? हेलो जी सर. फर्स्ट टाइम सुन रहे बेटा या पहले भी कभी सुना है? क्या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सर? अच्छा अच्छा सर. प्रोग्राम प्रोग्राम यस सर. हां नहीं सर सुना है प्रोग्राम. प्रोग्राम तो सर सुना है. प्रोग्राम तो सुना है सर. चलो पढ़ी भी हूं. पढ़ी भी है देख लो. बहुत लोगों ने तो पढ़ा भी है. वेरी गुड. प्रोग्राम डाटा होता है. पर भूल गई सर एक चीज. मैंने नोटिस किया है क्या, जिसको कहीं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होता है ना, तो वो जो वो दिमाग में उसको रहता है ना, वो कुछ भी बोल देता है. चलो भैया ये भी सही हो सकता है. कोई बात नहीं, जिसको अवेयर नहीं है. बहुत बहुत इसमें ऐसी चीज है ना, बहुत मेन चीज है इसको. अगर आप बोलने के थिंक बिफोर स्पीक, बोलने के पहले सोचो कि हमने क्या बोल दिया. ठीक है ना सर. कोई भी चीज को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं. जैसे कि कोई ऐप वगैरह को प्रोग्राम करते हैं सर. और कोई भी किसी भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर इमेज वगैरह को भी प्रोग्रामिंग करते हैं, बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं. गलत जवाब. डेटा, कोई भी डेटा को सिस्टमेटिक वे से रखा जाता है ना, प्रोग्राम उसको बोलते हैं शायद. प्रोग्राम डाटा भी एक सर होता है. गलत जवाब. मेरा जवाब भी गलत था सर. नहीं पता सर. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ. बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझना इसको. प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज यहाँ पे वो अलग चीज है. बिल्कुल बेटा, वो फाइल है. आप जो बता रहे हैं वर्ड फाइल में कुछ भी लिखा या कोई गाना है, कोई मूवी है, कोई वर्ड फाइल है, कुछ नोटपैड में कोई इमेज है, व्हाट एवर, दीज आर नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज जस्ट लाइक ए फाइल. दिस इज जस्ट लाइक ए फाइल. ये एक फाइल की तरह है. ए फाइल में भी इमेज, ए फाइल में भी वीडियो, ए फाइल में भी ऑडियो, ए फाइल में भी वर्ड, ए फाइल में भी नोटपैड, ए फाइल में भी एनीथिंग. एक फाइल कुछ भी हो सकता है. But here we are talking about computer programming language. Means what? Computer programming language follow some prototype, follow some instruction. There is some syntax, there is some semantics. वो कुछ certain rules है, कुछ prototype है उनका, उसको follow करते हैं. ठीक है ना? ऐसे नहीं है. ठीक है ना? उसको यहाँ पे करली ब्रेसेस लगेगा तो लगेगा, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए तो कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे स्मॉल होगा तो स्मॉल ही होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे सेमी कोलन होना चाहिए तो होना ही चाहिए. अगर वो अगर एरर आ गया, अगर आपने लिखना भूल गया तो इट विल गिव एरर एंड योर प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट एंड यू डिड नॉट टेक ए आउटपुट. आप आउटपुट नहीं लोगे, यू विल नॉट टेक ए आउटपुट. आप आउटपुट नहीं ले पाएंगे. ठीक है ना? एनीवे ज्यादा इसको लेंगे नहीं खींचेंगे. ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. ठीक है ना? ए प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है ना? ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है गिवन टू ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिया जाता है
ठीक है ना, स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। और कंप्यूटर इज ए कंप्यूटेशनल डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है ना। और कंप्यूटर ये कंप्यूटेशनल डिवाइस क्या है, कंप्यूटेशनल डिवाइस है मतलब कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है, विच यूज टू प्रोसेस द डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर उसके रीजन में, ठीक है ना, वो आपका डेटा प्रोसेस होता है वाइल एग्जीक्यूटिंग। हाँ जी ठीक है ना, वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम रॉ डेटा इज प्रोसेस इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है ना। क्या होता है कि आपका, हाँ, वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रॉ डेटा इज प्रोसेस्ड, आपका रॉ डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट, डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट में उसका एक फॉर्मेट होगा, उसी आपका फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा। द दीज कंप्यूटर प्रोग्राम सारे रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सारे किस में लिखे जाएंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे जाएंगे, विच आर हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तुम इसको मेरे को बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में, लिख लो इसको, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। क्या तुम लोग, अच्छा मेरी बात सुनना, तुम लोग बैठते हो तो बिना कॉपी के बैठते हो या ऐसे ही बैठ जाते हो, बैठ चलो भैया, चलो कल की कॉपी लेके सर, कॉपी के साथ पेन भी सर, पक्का? यस सर। कितने बच्चे हैं इसमें से, मेरे को एक बात मैं पूछ ही लेता हूँ, चलो बात सही है तो मैं पूछ ही लेता हूँ, बताओ कितने बच्चे हैं, अगर किसी ने नहीं भी कॉपी पेन लेके बैठता है तो वो नेक्स्ट लेक्चर से, वो कंप्यूटर कंप्यूटर का जब लेक्चर हो तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे आप, ठीक है ना। कब मैं इम्पोर्टेंट, हाँ जी सर, नेटवर्किंग प्रॉब्लम सर होता है घर पर कभी कभी, नहीं कभी का तो बात अलग है, वैसे तो हर चीज एक्सेप्शन होती है। यस सर, कभी कभी नई कॉपी पेन लेकर बैठती हूँ तो फोन में ही लिख लेती हूँ, खेत में लेके जाना पड़ेगा सर कॉपी पेन के लिए। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कई बार क्या इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्या कोई चीज आपके दिमाग में, अभी आपको ही क्वेश्चन पूछना हो तो आप ही कॉपी पे लिख लो कि मेरे को सर से ये चीज पूछ, ठीक है ना, वो चीज आपको ये रिकॉर्ड भी तो है ना सर, हाँ ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना, हाँ इससे, ठीक है ना, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ने आए हो, ठीक है, ठीक है ना। तो हाँ क्या बोला था मैं, प्रोसेस डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलता है हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने पूछा था कि आप हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, आप मेरे को लेफ्ट लेक्चर में, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, यस सर। हाई लेवल लैंग्वेज आर नियरली ह्यूमन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होता है जनरली ह्यूमन लैंग्वेज होता है, विच आर मोर कॉम्प्लेक्स, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है देन द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। और हाँ बस पाँच मिनट, एक मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, एक मिनट छप्पन सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये जो है, जो ये ह्यूमन लैंग्वेज होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और उसको मशीन क्या करता है, अपनी ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। सो आफ्टर नोइंग द बेसिक वी आर रेडी टू क्रिएट, ठीक है ना, अब समय इसका सारांश बता रहा हूँ, वी हैव नो टाइम, लेकिन इसका सारांश ये है कि कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टेबल मतलब डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ताकि वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज मशीन लैंग्वेज एंड व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, समझ में आया? Yes, sir. जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसी को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है या मशीन क्या करता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसको 01 को बोलते हैं, 01 को क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, 01 को मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। यस हाँ, तो और ये अपन पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो मेरे को ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सीपीयू क्या होता है,
ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। सीपीयू क्या होता है, ठीक है ना, एलयू क्या होता है, हमने डिस्कस किए थे ना जी सर। हाँ फर्स्ट लेक्चर में किया था, मेरे को याद है, ठीक है। फिर भी आर एन फास्ट नहीं है, अगर नहीं समझ में आया कोई चीज रिपीट करवा बता देना मेरे को आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, लेकिन ये जब तब होगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी, ठीक है। तो योर ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस इज फिनिश, आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया, पता